Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. In my previous video, I have taught you about the heterotrophic mode of nutrition in plants, in which you have learned about the parasitic plants, saprophytes. After that, I will teach you today the symbiotic plants. That is on page number 12. For class 7. So let's start. Symbiotic plants. Symbiotic plants means that is a सहजीवी पौधे. यह क्या होते हैं? ये जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, वो एक दूसरे पे जो है अपने भोजन के लिए या अपने शेल्टर के लिए रहने के लिए जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि when two organisms live together, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं एंड शेयर शेल्टर और अपना रहने का स्थान और न्यूट्रिएंट और जो है पौष्टिक या जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बोसिस. तो इस तरह के उनके इस तरह के रहन सहन को हम जो है सहजीवन या सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या सहजीवी संबंध कहते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोंट्स. और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम जो है सह जीव कहते हैं. दे म्यूचुअली हेल्प ईच अदर. और ये जो है हमेशा एक दूसरे के जो है पारस्परिक सहायता करते हैं. रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, यानी कि लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? फली वाले पौधे. यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट्स के जो जड़ें होती हैं, जैसे चने की जड़ें, मूंग की जड़ें, उड़द की जड़ें, मटर की जड़ें, बीन्स की जड़ें और भी बहुत सारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, हैव नोडल्स. इसमें जो है नोडल्स होते हैं. अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम लाइव्स इन दिस नोडल्स एंड कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोलुबल नाइट्रेट्स. यानी कि एक तरह का बैक्टीरिया जो है इनके नोडल्स में, मतलब क्या होता है, पिंड. इनकी जड़ों में जो है छोटे छोटे पिंड्स पाए जाते हैं और इसी पिंड्स में वो जो राइजोबियम जो जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, वो जो है रहता है. और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको जो है सोलुबल नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. और ये जो प्लांट्स होते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, ये इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का यूज जो है करते हैं. राइजोबियम कैन नॉट मेक इट फूड. राइजोबियम जो है अपना भोजन जो स्वयं नहीं बना सकता है, यह जो है अपने भोजन के लिए जो है इन्हीं पौधों पे जो है डिपेंड रहता है. ठीक है, दस इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट्स है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो जो है अपने भोजन के लिए, अपने शेल्टर के लिए जो है एक दूसरे पे जो है डिपेंड रहते हैं. क्योंकि जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो राइजोबियम है वो जो है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि नाइट्रोजन हर पौधों के लिए ज़रूरी होता है, पौधों को ग्रीन रहने के लिए जो है चाहिए होता है, प्रोटीन निर्माण के लिए चाहिए होता है, तो ये जो है राइजोबियम जो है उसे प्रोवाइड करता है. और बदले में जो लेगुमिनस प्लांट्स है वो जो है इस राइजोबियम बैक्टीरिया को जो है भोजन प्रदान करता है. नेक्स्ट एग्जांपल है लाइकेंस. ये भी जो है क्या होते हैं, एक सिम्बियोटिक. लाइकेंस मतलब क्या होता है, काई, या जिसको एल्गा भी कहते हैं. एक सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरह के सहजीवी जीव होते हैं, इन विच एन एल्गा एंड फंगस लाइव टुगेदर. जिसमें जो एल्गा और फंगस, फंगस मतलब क्या होता है, फफूद, कुकुरमुत्ता, कवक, और एल्गा मतलब काई, जो हम लोग घरों में या तालाबों में देखते हैं, जो नालियाँ होती हैं वहाँ पे देखा होगा, फिर जो है तालाबों में देखा होगा. ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के साथ ही रहते हैं एंड डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम ईच अदर. और जो है एक दूसरे के लिए जो है न्यूट्रिएंट का निर्माण करते हैं. द एल्गा इज ग्रीन एंड ऑटोट्रोफ. जो एल्गा होता है वो हरा होता है और ऑटोट्रोफ होता है, यानी कि ये लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन जो है स्वयं बना सकता है. इट मेक्स फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस. यह जो है दोनों के लिए जो है भोजन का निर्माण करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
यानी कि अपने लिए भी भोजन का निर्माण करता है और फंगस के लिए भी भोजन का निर्माण ये करता है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। और जो फंगस होता है वो जो है एल्गा के लिए जो है शेल्टर, रहने का स्थान प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स जो भी एल्गा को चाहिए होता है वो जो है प्रोवाइड करता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो थैंक्स।